पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान बाबर आजम ने इसराइल और फलस्तीन के दरमियान जारी हालिया कशीदगी पर खामोशी तोड़ दी। समाजी राबते की वेबसाइट एक्स पर पोस्ट करते हुए दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाज बाबर आजम ने हालिया कशीदगी के दौरान पहली बार नहते मासूम फलस्तीनियों और शहदा के हक में दुआ की। बाबर आजम ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए एक तस्वीर शेयर की जिसमें मलबे के ढेर पर